मैं बस उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा और कोई इरादा नहीं था। ऐसा नहीं होता अंकिता। जब दिल में आया कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ, जब दिल में आया कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं। रणविजय सर, रिश्ते यहाँ तो होते हैं या तो नहीं होते। और क्या बताने वाली थी तुम वैष्णवी को बात में? अगर तभी उसे सच बता देती तो वो रोती, वो उदास होती, लेकिन आज कम से कम सुरक्षित होती। देखो अंकिता, पिछले 5 सालों में जो रिश्ता रहा है तुम्हारा वैष्णवी के साथ, जितना प्यार तुमने उसे किया है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है उसकी तुम्हारे साथ। अंकिता, तुम्हारा मुझसे शादी न करना, वैष्णवी की मां न बनना, ये तुम्हारा फैसला था और ये फैसला हम सबने माना। आज मेरा फैसला ये है कि वैष्णवी की भलाई इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ। वैष्णवी ने 5 साल पहले अपनी मां के बिना जीना सीख लिया था, अपनी छोटी मां के बिना भी जीना सीख लेगी। रणविजय, शांत हो जा बेटा, तू गुस्से में। मैं शादी करने को तैयार हूं। मैं वैष्णवी की मां बनने के लिए तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है कि मैं यहां से निकलने के बाद कहां जाऊंगी, लेकिन इसलिए क्योंकि इन 5 सालों में मैं वैष्णवी से बहुत ज्यादा जुड़ गई। मैंने अपना बच्चा खोया, वैष्णवी के सहारे मैं अब तक जीती आई। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका ख्याल रखना, अगर वैष्णवी की खुशी इसमें है कि मैं आपसे शादी करूं रणविजय, तो मैं तैयार हूं। शायद आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं नवीन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए नरेंद्र सर, आज फिर एक बार हालात जीत गए। ममता प्यार पर भारी पड़ गई, मुझे इस बच्चे की खातिर रणविजय से रिश्ता जोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो वैष्णवी की जिंदगी रुक जाएगी और किसी की जिंदगी की कीमत देकर मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी।